एक्सेलरेशन चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी गाड़ी की आज एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास है होंडा स्विक 2006 मॉडल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से रिव्यू करेंगे। आज मैं इस गाड़ी का आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर दिखाऊंगा और इस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। तो व्यूज, ये है होंडा स्विक 2006 मॉडल। होंडा स्विक ने इस मॉडल में चार तरह के वेरिएंट लॉन्च किए, VTI, VTI ओरियल, VTI ओरियल प्रोसमेटिक और उसके अलावा EXI। तो इसमें जो इंजन दिया गया वो 1600 सीसी इंजन था। जो EXI वेरिएंट था उसके अंदर 1500 सीसी इंजन प्रोवाइड किया गया। तो व्यूज, टोयोटा हमेशा से होंडा का कंपटीटर रहा है और ये मॉडल 2001 से लेके 2006 के लास्ट तक आया। और उस टाइम 2001 से लेके 2004 तक जो इसका वेरिएंट आया उसको CF4 बोलते हैं। और उसकी लाइट्स और उसका जो कह लें फ्रंट, और इसके फ्रंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इस मॉडल के जो फ्रंट पे ईगल आइज दे दी गई, इसका जो फेंडर्स उनको चेंज कर दिया गया और बोनट को चेंज कर दिया गया। और इसका जो पिछला मॉडल था उसके जो उनसे अलॉय रिम्स थे वो थोड़े से चेंज थे। तो इस मॉडल में जो अलॉय रिम्स हैं वो हाइपर फिनिश में दे दिए गए। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो टोयोटा ने उस टाइम टोयोटा GLI, XLI, 2D सलोन और SC सलोन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई। तो अगर हम लोग इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन कर लें तो फ्यूल एवरेज के हवाले से टोयोटा की जो फ्यूल एवरेज थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो 1300 सीसी इंजन में दी गई थी। तो इस गाड़ी की अगर बात कर लें तो ये गाड़ी की जो सिटी के अंदर ये गाड़ी जो आप लोगों को फ्यूल माइलेज फ्राहम करती थी वो थी 9 to 10 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर, और लॉन्ग पर ये गाड़ी कर जाती थी 14 to 15 किलोमीटर। तो व्यूज़, इस गाड़ी का जो फ्यूल एवरेज वो थोड़ी सी कह लें कि अच्छी नहीं थी, और टोयोटा इस मामले में ज़रा फेमस रही है कि उसकी फ्यूल माइलेज थोड़ी ज़्यादा अच्छी है और वो 1300 सीसी इंजन में कंपनी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इस गाड़ी के अंदर ये गाड़ी होंडा स्विक 2006 मॉडल है, प्रोसमेटिक फुल ऑप्शन गाड़ी है, और इसके अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स दिए गए हैं, इसमें सनरूफ है, उसके अलावा ABS इसमें दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। तो अभी हम लोग इस गाड़ी का डिटेल से रिव्यू करते हैं और उसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर में आप लोगों को इस गाड़ी का दिखाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी आपको कितने में मिल जाती है। अभी आपको जैसे पता है 2021 चल रहा है, ये गाड़ी आप लोगों को अच्छी हालत में फुल ऑप्शन जो है वो 12 to 14 लाख के अंदर इस प्राइस टैग में आपको अवेलेबल मार्केट में मिल जाती है। तो अभी हम लोग इस गाड़ी का डिटेल से रिव्यू स्टार्ट करते हैं, आइए। तो व्यूअर्स, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप इसकी हेडलाइट्स, और इस वेरिएंट को CF5 इसको बोला जाता है, और इसकी लाइट्स को ईगल आइज भी बोला जाता है। और ये फ्रंट पे इसका होंडा का मोनो, और ये क्रोम में आपको ग्रिल मिल जाती है 2006 मॉडल में। और आप ये गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, टोटल जेन्युइन गाड़ी है। और ये आप देख सकते हैं निशान चेक कर रहे हैं आप, ये टोटल जेन्युइन गाड़ी की निशानी है। ये इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स, तो ये फुल ऑप्शन गाड़ी है। तो मैं आपको बता रहा था फुल ऑप्शन जो गाड़ी थी उसमें ये क्रोम की पट्टी दी गई थी, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा हाइपर फिनिश में आपको इसके अलॉय रिम्स मिल जाते थे, और इसमें ABS सिस्टम दिया गया था, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। अभी इसके रियर पे आ जाते हैं, तो इस वेरिएंट में आपको क्रिस्टल लाइट्स दे दी गई थी, और इससे जो पुराना मॉडल था, पुराना वेरिएंट था इसी की शेप में, उसकी जो लाइट थी थोड़ी सी फेड थी। तो ये स्विक प्रोसमेटिक, और प्रोसमेटिक जो थी ये जो इन्होंने इस वेरिएंट के अंदर जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी वो ये था कि इससे पहले जो मॉडल आते थे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो गियर था उनका, जब आप गियर लगा मतलब ऑटो गाड़ी डी पे
ड्राइव कर रहे होते थे, गाड़ी जब गाड़ी गियर शिफ्ट करती थी तो एक झटका लेती थी। तो प्रोस्मैटिक में जो ट्रांसमिशन के अंदर जो गियर शिफ्ट जब गाड़ी करती थी तो इतना ज़्यादा झटका महसूस नहीं होता था। खैर अभी इस टाइम तो CVT इंट्रोड्यूस करवा दी है जिसमें तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि गाड़ी गियर शिफ्ट कर रही है। तो ये है व्यूज़ मेरी 2006 मॉडल सिविक, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी के जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो ये थे कि एक तो इस गाड़ी की सस्पेंशन जो है सॉफ्ट है, लेकिन जब ये गाड़ी किसी खड्डे वगैरह में लगती है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, बंदा डर जाता, कहता है पता नहीं सस्पेंशन को कोई मसला हो गया। तो मैंने 2-3 मैकेनिक्स को दिखाई, वो उन्होंने बोला बिल्कुल सस्पेंशन ओके है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे इसके कंट्रोल आर्म जो कि बिल्कुल नीचे हैं। अक्सर लोग पैकिंग रखवा के और गाड़ी को ऊंचा करवा लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई सीन नहीं किया और मेरी गाड़ी बिल्कुल ड्रॉप है। आप देख सकते हैं गाड़ी में पैकिंग रखवाने से एक तो उसकी सस्पेंशन ख़राब हो जाती है और वो चीज़ नहीं रहती। तो इस गाड़ी की रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है, और कह लें कि इससे जो नेक्स्ट वेरिएंट है रिबॉन, उसकी तो क्या ही बात है, उसकी जो रोड ग्रिप है इससे भी ज़्यादा है। तो आपने देख ली गाड़ी, एक्सटीरियर हम लोगों ने देख लिया, अभी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो इंटीरियर में आपको यहाँ पे ये इसके मिरर्स के बटन मिल जाते हैं, और मैंने कोई गाड़ी इतनी ख़ास साफ नहीं की। ये इसका हैंडल, और ये आफ्टर मार्केट सोनी की इसके अंदर LCD लगवाई थी। उस टाइम इसकी जो प्राइस थी वो थी 38,000। तो इसके अंदर सोनी का सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और इसमें जो स्पीकर्स लगे हुए हैं वो कैनवुड के हैं, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका मीटर क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो ये इसका मीटर क्लस्टर है। तो ये गाड़ी मेरी चल चुकी है 1,85,000 और समथिंग। ये गाड़ी स्टार्ट कर दी मैंने, और यहाँ पे आपको इसकी जो ट्रांसमिशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो पी पे आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, D3 जो कि स्पोर्ट्स गियर कहा जाता है जिसे, और अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो ये आप 2 पे करके चलाते हैं। तो ये इसका इसकी LCD सोनी की आप देख सकते हैं लगी हुई है, और ये हीटर, AC, और ये डिफरेंट बटन्स इसमें लगे हैं, और यहाँ से आप इसके एयर को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप कूल और हीट पे कर सकते हैं। बाकी इसका आप इंटीरियर देखें, बहुत ही साफ़ सुथरा है। और अभी मैं आपको गाड़ी को कर देते हैं बंद, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका सनरूफ। तो ये है जी इसका सनरूफ, यहाँ से ये बंद हो जाता है। अभी जो नई गाड़ियाँ उनमें तो पैनारोमिक सनरूफ आ रहा है, तो उस दौर की ये जो गाड़ी है कोई इतना पुराना दौर भी नहीं है, खैर कुछ साल पहले की बात है। तो ये गाड़ी बहुत लाइक की जाती थी और अभी भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। अभी मैं इसके सनरूफ को खोलता हूँ, और ये मैंने इसको कर दिया बंद। तो ये गाड़ी की जो लेदर की जब हम लोगों ने ली थी तो इसमें पोशिश पहले से ही हुई थी, और बहुत कमाल की पोशिश हुई है, ये आप देख सकते हैं ये गाड़ी की पोशिश। और मेरा कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है उधर, और ये आपको मैं फ्रंट सॉरी बैक सीट्स इसकी दिखा देता हूँ। बैक सीट्स दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं बैक सीट्स, और ये इसकी पोशिश बहुत ही प्यारी हुई है। लाइट ऑन कर लेते हैं, अभी मैं आपको इसकी डिग्गी भी खोल के दिखाता हूँ।
अक्सर इस मॉडल की गाड़ियाँ उनके ये जो जहाँ से हम डिग्गी वाला बटन है वो ख़राब मिलता है, तो ये इस तो इसमें जो कैनवुड के स्पीकर्स लगे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाड़ी की कंडीशन अंदर से टोटल जेन्युइन देख सकते हैं, वायरिंग तक इसकी कितनी वही चल रही है और ये कैनवुड के स्पीकर लगे हुए हैं। सॉरी मैंने कैनवुड कह दिया, सोनी एक्सप्लोर के इसमें स्पीकर भी इंस्टॉल हैं। और ये भी आपको उठा के दिखा देता हूँ इसकी स्टेपनी वगैरह, इसकी स्टेपनी वगैरह भी आप देख सकते हैं। और इसका टायर डनलोप जो कि स्ट्रोक टायर, और वैसे इस गाड़ी को योकोहामा के टायर डलवाए थे मैंने। तो ये थी हमारी आज की गाड़ी होंडा स्विक 2006 मॉडल, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज का रिव्यू यहाँ पे करते हैं ख़त्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स आज का आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सड़क पे काफ़ी ज़्यादा रश था इसलिए ज़्यादा मैंने गाड़ी को खींचा नहीं, और लेकिन इस गाड़ी की थोड़ी ट्यूनिंग होने वाली है, थ्रॉटल बॉडी का काम होने वाला है और प्लग्स चेंज होंगे, खैर कंप्यूटर लगवाऊंगा और टोटल इसकी जो है मैं इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवा के आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि ये कितने सेकेंड में 0 to 100 गाड़ी जाती है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को दे आज इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।